सब्सक्राइब करें हमारे और आपके चैनल तालिब खान को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो पहली न्यूज़ आ रही है सैमसंग ने पेश किया है गैलेक्सी J4 Plus J6 Plus। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने पेश किया J4 Plus J6 Plus। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। सैमसंग ने दो स्मार्टफोन गैलेक्सी J4 Plus और गैलेक्सी J6 Plus पेश किए। ये दोनों ही मिड रेंज सेगमेंट के हैं और इसमें एंड्रॉयड 8.1 ओरियो दिया गया है और J+4 में 6 इंच की HD डिस्प्ले, इन्फिनिटी डिस्प्ले दी गई है जिसका और 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया और इसके दो वेरिएंट हैं, 2 GB और 16 GB मेमोरी के साथ और 3 GB और 32 GB मेमोरी के साथ। और जे सैमसंग गैलेक्सी J6 में छः इंच के HD डिस्प्ले, इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ है और ये भी यह स्मार्टफोन 1.4 GHz प्रोसेसर दिया गया और इसमें भी दो वेरिएंट है, 3 GB के साथ 32 GB इंटरनल मेमोरी और 4 GB के साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, 4 GB के साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी। दूसरी न्यूज़ आ रही है 10 स्मार्टफोन जिनकी कीमत में की गई 25,000 रुपयों की कटौती थी। हाँ दोस्तों, 10 स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनकी कीमत में 25,000 की कटौती थी की गई है। चलिए इसके आपको ऐसा ही एक सूचनी बता दें कि ये सूची में बजट स्मार्टफोन के अलावा फ्लैगशिप डिवाइस भी शामिल है। लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी Note 8, सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus, एप्पल आईफोन X और वीवो 21। तो ये हैं भी 10 स्मार्टफोन जिनको आप भारी कीमत की कटौती पर खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus, पिछले साल सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 Plus को लॉन्च किया था लेकिन डिवाइस की कीमत में कटौती हुई है। फ़ोन को 64,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था लेकिन फ़ोन की कीमत 25,000 रुपये की कटौती की गई है। ऐसे भी और फीचर्स और सब मोबाइल्स की कटौती की गई। और तीसरी न्यूज़ आ रही है सैमसंग ने लॉन्च किया J4 Plus और J6, यह है इसकी खासियत। तो चलिए कुछ इसकी साथ खासियत देख लेते हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस और कुछ बात कर लेते हैं। गैलेक्सी J प्लस की बात करें तो Android 8.1 ओरियो पर चलता है और इसके हैंडसेट आपको 6 इंच के HD डिस्प्ले जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं और गैलेक्सी J4 में 6 इंच की HP डिस्प्ले और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 2 GB 3 GB और गैलेक्सी J4 में भी दो आते हैं, 2 GB और 3 GB। और चौथी न्यूज़ आ रही है सावधान, Xiaomi पोको F1 की एक और ख़राबी आई सामने, वजह देख कर देगी हैरान। जी हाँ दोस्तों, वजह कर देगी हैरान। नई दिल्ली Xiaomi का पोको फ़ोन भारत में अगस्त में लॉन्च किया है और इसकी पहली सेल भी हो चुकी है लेकिन अभी स्मार्टफोन एक और ख़राबी सामने आई है। इससे पहले एक खबर थी कि यह हैंडसेट Wine L1 DRM की सपोर्ट नहीं करता जिसकी वजह से यूजर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और गूगल पे HD वीडियो प्ले नहीं कर सकते और इसकी बहुत सी ऐसी खराबी हैं। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर रहे कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि पोको F1 धंधले पड़ जाते हैं, मतलब इसके डिस्प्ले पर धुलधुले आ जाते हैं। यूजर्स का कहना है कि अब अंधेरे में हैंडसेट का ब्राइटनेस को बढ़ाया जाता तब फ़ोन का निचला एक धुंधला पड़ जाता है और कुछ भी साफ नहीं दिखाता है, और मतलब कि डिस्प्ले साफ नहीं दिखाता है। ऐसे में मानना जा रहा है कि जिन ग्राहकों ने यह फ़ोन ख़रीदा है वो उनके लेकर उसी कंपनी का हैंडसेट देगी, क्या कंपनी नया हैंडसेट देगी। बता दें कि हाल ही में पोको फ़ोन 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के वेरिएंट 20,999 का है। और पांचवी न्यूज़ आ रही है Xiaomi Mi Max 3 स्मार्टफोन 5,500 mAh की बैटरी से लेस जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, जल्दी भारत में लॉन्च हो सकता है। Xiaomi ने भारत में लॉन्च करने के लिए टीच कर दिया है Mi Max 3 6.9 इंच की, इसकी डिस्प्ले 5,500 mAh की बैटरी मौजूद है। ये फ़ोन Mi Max 2 और Max से काफ़ी बड़ा है।
स्वामी एक रिवेंट ट्वीट से संकेत मिलते हैं कि एमआई मैक्स को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अभी खुलासा नहीं किया है कि डिवाइस को भारत में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन संकेत मिलते हैं कि डिवाइस को जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि डिवाइस को भारत में 20,000 की कीमत में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों।